कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ईमीएक पहला कंप्यूटर का नाम था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सन 1946 ईस्वी में हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? वेलफ्रॉम अल्फा सर्च इंजन नहीं है। निम्न में से इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर तीनों इनपुट यूनिट हैं। एक किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? एक किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होते हैं। एक मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होते हैं? एक मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होते हैं। एक गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होते हैं? एक गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से बनते हैं। इंटरनेट में HTTP का सही विस्तृत रूप है? HTTP का सही विस्तृत रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? CD-ROM एक ऑप्टिकल मेमोरी है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तीसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CPU के ALU में होते हैं। CPU के ALU में रजिस्टर्ड होते हैं। CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है? कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। माइक्रोप्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। सीपीयू का मुख्य घटक है? कंट्रोल यूनिट मेमोरी तथा ALU तीनों CPU का घटक है।